सदका जितनी भी इबादत हैं उसमें से सबसे बढ़कर है। आज मुझे मिल्टन कीन्स की पाकिस्तानी कम्युनिटी पर बहुत फख्र हुआ। Extremely proud and grateful to the community of Milton Keynes who have come together at this hour of need. Our nation needs us, and this was a great mammoth effort. I am speaking to people who have come back from the field, let alone the videos. पकवान ने मिलके जो ये काम किया, मैं इन सबको सलाम पेश कर। जो इसके फ्लड के बाद जो बीमारियां होनी हैं वो सारी वाटर बॉर्न डिजीज, इसके अंदर डेंगू हो सकता है बिकॉज मच्छर पैदा होंगे जब खड़ा होगा, जिस तरह डॉक्टर नकवी जिक्र कर रहे थे हेपेटाइटिस का। पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज हमने 86,500 पाउंड जमा किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, ये पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तानी है, अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। के सर के ऊपर लिखे हैं हमके पकवा और इसके आप इसके प्रेसिडेंट हैं, तो आज आपने 90,000 पाउंड जमा किए, सदका दिया लोगों ने, कैसा लग रहा है? देखें जी, हम पाकिस्तानी जहां पे भी हूँ और कश्मीरी जहां पे भी हूँ, हमारे दिल जो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूँ, जुमे को मैं वहाँ इंग्लैंड में पहुँचा हूँ। जो मैं दे के आया हूँ वहाँ पे, जो लोगों की हालत है, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी थी वो उजड़ गई। ये जो हमने दिया ना 90,000 पाउंड या इसके लगभग जो पैसे हमने दिए, ये कुछ नहीं है, ये उनकी सर्विस भी टच नहीं करेगा, लेकिन ये अपना जो हमारा जज्बा है उस हम अपनी मोहब्बत का इजहार किया उनके साथ। लेकिन वह उनको बहुत ज़रूरत है, उनको एक्चुअली ह्यूमन की इतनी ज़रूरत है चीज़ों की कि आप सोच नहीं सकते। उनके पास रहने की जगह नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, उनके बच्चे बीमारी और इतने मामला उनके बने हुए। अलखिदमत और एम के पकवा ने मिल के जो ये काम किया, मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ। आज मुझे मिल्टन कीन्स की पाकिस्तानी कम्यूनिटी पर बहुत फख्र हुआ। आप यकीन कीजिए, खुशी से मेरी आंखों में आंसू थे। छोटी सी कम्युनिटी है यहाँ पर पाकिस्तानियों की, लेकिन जिस तरह लोगों ने दिल खोल कर आज डोनेशंस दिए हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, इस तकरीब में हिस्सा लिया है और अपने यहाँ पर जो अपनी डोनेशंस दिए हैं उनका बहुत शुक्रिया। छोटी सी कम्युनिटी के लिए इतनी लार्ज अमाउंट करना, इससे साबित होता है कि जो पाकिस्तानी हम ओवरसीज रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए हमारे हर वक्त हम तैयार रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। जब भी उन पर कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो हम हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस सदके की क्या अहमियत है? माशाल्लाह, सदका जितनी भी इबादत हैं उसमें से सबसे बढ़कर है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा और फिर अल्लाह के राह के अंदर देने का जज्बा। ये बेसिकली इंसान बज़ाहिर दे रहा होता है लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के यहाँ जमा कर रहा होता है, और फिर जहाँ उसका माल जमा हो रहा होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका दिल भी उसी तरफ फेर देता है। ये इंसान के ऊपर अल्लाह का इनाम है कि इंसान दे रहा होता है और फिर उसका तवज्जो, उसका ध्यान, उसका ख्याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ फेर देता है उस इनाम के तौर पे जो उसने अल्लाह की राह में और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए खर्च किया होता है। और ये सदके के साए के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत वाले दिन हर शख्स अपने सदके के साए के नीचे होगा। 1,000 पाउंड जमा कर लिया और उन लोगों को हमारी ज़रूरत थी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मिल्टन कीन्स की कम्यूनिटी को, आप लोगों को दाद देनी चाहिए और इससे साबित हुआ कि अभी उम्मीद की किरण बाकी है। एब्सोल्युटली जनाब इमरान कुरैशी साहब, एक्सट्रीमली प्राउड एंड ग्रेटफुल टू द कम्युनिटी ऑफ मिल्टन कीन्स हु हैव कम टुगेदर दिस आवर ऑफ नीड। आवर नेशन नीड्स अस एंड दिस वाज अ ग्रेट मैमथ एफर्ट फॉर अ स्मॉल कम्युनिटी लाइक आवर्स टू कम टुगेदर एंड रेज द फंड्स विल बी पुट टू गुड यूज फॉर द नीडी इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ मिल्टन कीन्स के अंदर, आप डॉक्टर्स की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एज ए डॉक्टर, जहाँ पे हम पैसे जमा करके उनकी मदद करेंगे, इस सारे गोरख धंधा में आपकी एडवाइस क्या होगी कि बीमारियों से कैसे बचा जाए? जो इसके फ्लड के बाद जो बीमारियाँ होनी हैं वो सारी वाटर बॉर्न डिजीज है, इसके अंदर डेंगू हो सकता है बिकॉज मच्छर पैदा होंगे जब खड़ा होगा, जिस तरह डॉक्टर नकवी जिक्र कर रहे थे हेपेटाइटिस का, इन सब का होना है। तो जहाँ जहाँ वाटर के पॉन्ड्स इकट्ठे होंगे उन पर स्प्रे करना, उनसे मच्छरों के और बाकी इंसेक्ट से बचना, और दूसरी बड़ी अहम बात है एक आज हाईलाइट की गई है, जानवरों के अंदर जो बीमारियाँ फैलेंगी, अगर आप जानवरों का गोश्त, उन्हीं बीमार जानवरों का खाएँगे तो उसके साथ आपको मज़ीद बीमारियाँ
डेवलप हो सकती हैं, इन सब से बचना है। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर्स रात के लिए एक जो अहम चीज़ है जो अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पूरे साने में, वो है उनकी स्किल्स। अगर पैसों के अलावा वो अपने अगर हफ्ता हफ्ता भी लाइफ के अंदर एक जो है टाइम निकाल के दें और वापस जाके काम करें, वॉलंटियर अपनी एक्सपर्टीज उन बीमारों को दें जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, तो ये बड़ा सदका जारी होगा। मिल्टन किंग्स के अंदर से तकरीबन 90,000 पाउंड जमा हुए, पाकिस्तान के अंदर लोग मुश्किल में हैं, प्रदेश में रहते हुए हम लोगों का जज्बा कभी कम नहीं हुआ, तो ये सिलसिला जारी रहा तो हम यकीनन उनकी मदद कर पाएंगे। बिल्कुल, और ये मिल्टन किंग्स एमके पकवा की तरफ से जो ये एक आज जो तकरीब हुई है इसके अंदर हमने, जैसा कि आपने कहा कि 90,000 पाउंड जो है हमने एक सिर्फ दो घंटे के अंदर हमने यहाँ पर वो किया है, जिससे हम बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सैलाब ज़दगान लोग हैं उनकी मदद हम कर सकेंगे, और ख़ास तौर पे उनके लिए मेडिकल कैंप्स हम कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि हम उनको जज्बा भी दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि अभी उम्मीद की किरण बाकी है। समझते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों में और दुनिया के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा जज्बा है दूसरों के काम आने का। जी, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है हम सब अफसोस करते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं ग्यारह दियार में रह के भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जिस तरीके से लोग मदद कर रहे हैं वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग मुतासर हुए, तो वो दिन आएगा जब मिलजुल के मदद करके उनको हम संभाल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, पहले भी 2005 के जल्जले में ऐसे ही किया था हमारी कौम ने, इस दफा भी इंशाल्लाह मदद करेंगे। आज हमने 86,500 पाउंड जमा किए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, ये पाकिस्तान के लिए, हम पाकिस्तानी हैं, अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। आप देखेंगे ये वो वक्त नहीं है जब पाकिस्तान बना था, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी, पाकिस्तानी कौम में जज्बा है। हमने आज ये फंड रेजिंग हुई है, इंशाल्लाह आइंदा भी हम यहाँ पे गाजर हलवा खाने लगे हैं, वहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलता, लेकिन हमारा प्रदेश में रह के वतन के साथ लगाओ वतन वालों से भी ज्यादा है, तो ये जज्बा कब तक रहेगा? ये जज्बा तब तक रहेगा जब तक ये हमारे मुल्क में सैलाब का प्रॉब्लम है, हम उन बहन भाइयों को बेटों बेटियों के लिए सारे पाकिस्तानियों के लिए हम दिन रात जो है हाजिर है, हर किस्म का तामन करेंगे। कहते हैं कि सदका जो है वो मौत के अलावा हर चीज को डाल देता है, आपने सदका दिया गरीबों की मदद के लिए अपने मुल्क के लिए, क्या लग रहा है आपको कैसा? जी बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ कुछ और तो कर नहीं सकते वहाँ पे जाके, तो जो कुछ कर सकते हैं हम, हमारा जो दिल उनके साथ है, हम काफी उनके लिए परेशान भी है, इसलिए जो कुछ हम कर सकते हैं आज। और आपने देखा होगा कि हमारे दोस्तों ने भाइयों ने आज दिल खोल के जो भी कर दे सकते थे उन्होंने दिया है, और मेरे ख्याल में हमें करना भी चाहिए क्योंकि हमारे मजहब में भी है कि सदका जरूरी है, और खासकर इस मौके पर जब हम सब पाकिस्तानी भाइयों की हमारी जरूरत है, तो हमें जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो बस एक मदद का जज्बा है, और ये कि हमारे भाई बहन जो भाई बहन जितने भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको बस इस मुश्किल वक्त से आसानी के साथ निकाल। बहुत शुक्रिया। सैलाब ज़िदगान के लिए आज हमने तकरीबन 90,000 पाउंड के करीब जमा किए, आपको क्या लगता है कि यही जज्बा रहा ओवरसीज पाकिस्तानियों में तो हम सैलाब ज़िदगान की मदद कर पाएंगे इंशाल्लाह? आपने देखा होगा कि अलखिदमत फाउंडेशन जो हमारी ग्राउंड पे पार्टनर है, अभी तक 9 बिलियन प्लस उन्होंने इस वक्त तक डोनेशन को स्पेंड कर दिया है ग्राउंड के ऊपर, और जहाँ पर बहुत से क्राइसिस हैं, यानी कि डिफरेंट डिमेंशन हैं इस सैलाब के, फूड का है क्राइसिस है, टेंट्स का है, बहुत सारे क्राइसिस हैं, लेकिन जो हेल्थ का क्राइसिस है ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि 6,70,000 जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो वो फोकस हेल्थ पे कर रहे हैं जी, ने सब सेक्शंस में हम कर रहे हैं, लेकिन आज का जो चैरिटी डिनर था ये हेल्थ के वाले से था कि यहाँ से हम मोबाइल यूनिट्स, हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हो चुके इन आने वाले दिनों में 6 मोबाइल यूनिट वहाँ पर फ्राहम करे खिदमत फाउंडेशन को। मिल्टन किंग्स की कम्युनिटी ने तकरीबन 2 मोबाइल यूनिट के मनी रेज की है, तो इंशाल्लाह जो बाकी 4 हैं उसको भी हम बहुत जल्द इस हदफ को अचीव करेंगे। मैं बता रहा हूँ पहले बार जब पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर में अर्थक्वेक आया था, तो उस वक्त मैं अपनी डेलीगेशन लेकर गया था, अपने अटॉर्नी जनरल थे स्टीव बेकर और सब और डॉमरे करीम सब लेकर गया था, उस वक्त हमने 100 मिलियन पाउंड दिया था पाकिस्तान को। ये जज्बा ओवरसीज पाकिस्तानियों में कुछ ज़्यादा नहीं है? ये जज्बा सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों में ही है, और यही लोग ही पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, और इनके साथ जो लोकल दोस्त हैं उनकी बड़ी मेहरबानी जिन्होंने सारा प्रोग्राम अरेंज किया है,
और इंशाल्लाह ताला इनका नेक्स्ट भी कोई प्लान होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उबैद भाई बड़े अच्छे सलवार कमीज पहने, अच्छा खाना हम खा रहे हैं, वहाँ पे लोग जरूरतमंद हैं, हम उनकी मदद भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लोग मुश्किल में हैं, इसी तरह से इमदाद होती रही तो एक दिन वो मुश्किल से निकलेंगे? जी जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। और सबसे जो पॉजिटिव बात यह है कि जो लोग इधर से इधर यूके में रह रहे हैं, चाहे वो 20 साल से रह रहे हैं या 50 साल से रह रहे हैं, उनको उनके अंदर बहुत हमदर्दी है उन लोगों के जो सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान में ना, तो इंशाल्लाह अगर वो मुश्किल हाथ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि मुश्किलात कम जरूर होंगी ना। डॉक्टर उस्मान जफर साहब, आज आपने 10,000 पाउंड दिए और कोशिश की कि उन गरीबों की मदद हो सके, आपको लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी में बहुत जज्बा है और ये जज्बा कायम रहा तो उनकी मदद हो सकेगी? जी फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, हम जैसे कि आपने देखा भी आज के फंक्शन में माशाल्लाह तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी थे और सब ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया और अपनी मतलब हर एक की जो कोशिश थी उसमें आपको वो रंग नज़र आएगा कि एक दुख है पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं जो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम उनकी मदद कर सकें, कुछ लोग हैं जो कि फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, कुछ लोग इन पर्सन मदद कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ दूसरे लोगों को इन्वाइट करके और उनको इनक्रेज करके कर सकते हैं, तो जिस तरीके से भी हर एक ने अपनी मेहनत की, मदद की और अल्लाह का शुक्र है, इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। बिल्कुल जी, मैं तो पहले अप्रिशिएट करता हूँ अपनी कम्युनिटी को इन मिल्टन किंग्स में कि जिन्होंने इतनी बड़ी खतीर रकम जमा की है, तो कतरे कतरे से वो दरिया बनता है, तो मैं अपनी कम्युनिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, स्पेशली मिल्टन किंग्स के रहने वाले बिजनेसमैन को और यहाँ के जो छोटे छोटे ताजर हैं उनको भी अप्रिशिएट। आज 90,000 पाउंड दे के मिल्टन किंग्स के लोगों ने अल्लाह के साथ तजारत की, आपको लगता है कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा? इंशाल्लाह जी, हमारी एक्सपेक्टेशन से लोगों ने बहुत बढ़ के तावन किया, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो आप सब भाइयों ने इस तरह से बढ़ चढ़ के यहाँ पे मदद की कि हमारी इतनी सोच भी नहीं थी। हमारा जो प्रोग्राम था वो एक एम्बुलेंस जो वो उनका था, वो नॉट एम्बुलेंस, जो मेडिकल सेंटर लेने का था, लेकिन अल्लाह ताला की ये तजारत है लोगों के और अल्लाह ताला के दरमियान, और लोगों ने इस जोश व खरोश से इसमें हिस्सा डाला कि इंशाल्लाह इससे हमारा हौसला बढ़ा और हमारी तंजीम को आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इससे बड़े और अच्छे प्रोग्राम करने का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। लुकमान भाई, आज कितने पैसे जमा किए हमने? आई मोर देन 70,000 पहला जो ही है, तो अभी मैं देख रहा था बैंक में तकरीबन 23,000 जो बैंक में आ गए, तो कुछ कैश भी है जो अभी अकाउंट नहीं हुआ। तो थी कि आज मिल्टन किंग्स में 86,500 पाउंड जमा होगा? जी जी, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, लेकिन मैं था कि शायद हम एक ट्रक कर पाएंगे 60 के लगभग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप व्हील चेयर के ऊपर हैं, यहाँ वॉलंटियरली काम किया, बेलोस काम किया, अगर आप जैसे लोगों का ये जज्बा है तो फिर जो सही हैं, सलामत हैं, दौलत है, उनको तो बढ़ चढ़ के मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को मुश्किल से निकालना चाहिए। जी ऐसा ही है, मैं कह रहा हूँ कि जो वतन ने पुकारा था अगर लोग हमारा वो वाला साहब है हम सब का, यहाँ पे सब जितने भी लोग जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाए, जिन्होंने डोनेशन दिया, उन सबको शुक्रिया। जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए गुजारिश है कि वो भी इसमें हिस्सा लें। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।